लोग पीछे पड़े रहते हैं, कमाने का नहीं पाने, इधर इधर खेती वेती करते हैं, पड़े रहते हैं लगन साग सब्जी। उन्नाव जनपद में राजस्व जमीन पर कब्जे को लेकर भाइयों में बड़ा विवाद। पीड़ित ने लगाई योगी सरकार को पत्र लिखकर न्याय की गुहार। होमगार्ड के पद पर बैठा भाई दिखा रहा दबंगई। पूरा मामला उन्नाव जनपद के कोतवाली अचलगंज के एक गांव का है, जहां पर पीड़ित गंगा प्रसाद रावत अपने दो बड़े भाइयों राम अवतार व हरिपाल की दबंगई से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब जनपद के उच्च अधिकारी से लेकर योगी सरकार को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गंगा प्रसाद नाम है, हम आए हैं, हमारा कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। क्या समस्या है? उसमें जबरदस्ती राम अवतार और हरिपाल और रोहित ने जो कब्जा कर लिया है मेरे साइन के सामने। काहे का कब्जा? मकान बना रहे हैं। कहाँ कहाँ शिकायत की अभी तक? हमने SP को दिया है, DM साहब को, कल हमने आए थे तो DM साहब कहे थे हमने तहसीलदार को दिया। क्या कहा DM साहब ने? तो इतनी बात कहें तो फिर अपन चले गए। कितने 2018 से दौड़ रहे हैं, 9/9/2018 से। अभी न्याय नहीं मिला? अभी न्याय नहीं मिला, उसमें मुकदमा 308 का दर्ज है राम अवतार पर। राम अवतार ने 9 जनवरी 2018 को हमको मारा था ईंटा से, हमारे हमने चले गए जो है वहाँ हाईलाइट भर्ती हो गए थे, हाईलाइट में भर्ती आए उसमें डॉक्टर लगा करके 308 का मुकदमा उनके पास आया है। दरोगा साहब ने जो है हमारे पास जो है 325-323 धारा लगा केस बनवा दिया। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला उसका कोई निर्णय हो जमीन को, और हमारा जो हम तब से हम न काम करे वाले रहेगा न कुछ नहीं, हमारा सब कर गया तो हम न कुछ बड़ी मिनट के लिए खो सकते न कुछ नहीं, इधर उधर भट करते हैं। अगर जो हम न हमारी लड़की को पहनने वाली तैयार है उसको कैसे पहनेंगे, नहीं हमारे लोग पीछे पड़े रहते हैं, हम कमाने का नहीं पा रहे, इधर इधर खेती वेती करते हैं, पड़े रहते हैं लगन साग सब्जी का काम बजा रहे। रोइए नहीं। तीनों भाइयों के बीच राजस्व जमीन पर कब्जाधारी को लेकर विवाद चल रहा है। पीड़ित का भाई हरिपाल जो कि कोतवाली अचलगंज में होमगार्ड के पद पर तैनात है, जिससे कोतवाली पुलिस की साठगांठ कर अपनी दबंगई को दिखाने में सफल होता दिखाई पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब साल 2018 में गंगा प्रसाद व उनके परिजनों को भाइयों ने डंडों व ईंटों से मारा था। इस दौरान गंगा प्रसाद के सर पर गंभीर चोटें भी आई थी। कोतवाली पुलिस ने हरिपाल राम अवतार व रोहित के खिलाफ 223 व 208 को धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गंगा प्रसाद के मुकदमे से बचने के लिए आरोपियों ने गंगा प्रसाद को गुंडा एक्ट में आरोपी बताते हुए जिला बदर की कार्रवाई को कराया था।